जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो हमारी मौजूदगी है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए गुलाम जिलानी भाई के साथ है। कल आप नाज़रीन आप जानते हैं कि 25 मार्च योम तासीस, एमक्यूएम पाकिस्तान योम तासीस मनाती है बड़े जोश व खरोश से। तो आज गुलाम जिलानी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे ये कुछ दावतनामा है जो वो ये कोरंगी चार नंबर मोबाइल मार्केट के लिए लेकर आए थे कि अपने लोगों को हम अपने कल की योम तासीस के लिए जो है वो लोगों को जमा करें। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्लेटफॉर्म से भी पूरी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो लोग हमें देखेंगे इंशाल्लाह कल हमारे इस जुलूस में आप लाजमी शामिल हों। जिलानी भाई हमारे साथ जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असलम भाई, आज हम लोग यहाँ पर आए थे कोरंगी लांडी मार्केट जो एसोसिएशन है इनके पास और इनको हमने दावत दी है कल हमारे जो 25 मार्च को योम तासीस के और जो 18 मार्च को होना था लेकिन नागजीद वजूहत की बिना पर जो हम 18 मार्च को जो है योम तासीस नहीं बना सके और ये प्रोग्राम हम 25 तारीख को यानी कि कल करने के लिए जा रहे हैं। और आपके इस चैनल के तवसत से मैं पूरे पाकिस्तान को और खसूसन शहर कराची में बसने वाले एक एक फ़र्द को जिसका ताल्लुक़ कराची से, एमकेएम से नहीं, जिसका ताल्लुक इस शहर कराची से, वो कोई भी ज़ुबान बोलता है और ये जो हम योम तासीस का प्रोग्राम है ये हमारे कराची हकूक़ के हवाले से भी है कि इस शहर कराची के साथ जो नाइंसाफ़ी गुज़श्ता 12 साल से ये पीपल्स पार्टी कर रही है और यहाँ के नौजवानों के जो जॉब्स हैं वो इन्होंने उठा के पूरी अंदरूनी सिंध में जो है लोगों को बेची हैं, जाली डोमिसाइल के मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल हैं जिनके ऊपर एमकेएम एक दफ़ा फिर जो है वह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है। और मैं पूरे शहर कराची के तमाम नौजवानों को खसूसन दावत दूंगा कि वो आएँ और इसमें जो है वो अपना अहम किरदार अदा करें और एक बड़ा यकजहती का मुजाहरा हम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें आपके तवसुत से हमें जो है बहुत सपोर्ट मिलेगी। और आपका चैनल जो है वैसे भी एमकेएम के साथ ही होता है हमेशा, जहाँ पर भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें हमारे साथ होता है। तो आपके चैनल का भी शुक्रिया कि अगर वो हमारी इस दावत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आम करेगा। और आपके चैनल के तवसुत से ही मैं ये बोलूँगा कि यार तमाम लोग शहर कराची में बसने वाले जो वो आएँ और इस जलसे को कामयाब करें क्योंकि ये हमारे और आपकी बका की जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बात मैं आपसे लाजमी जो है करना चाहूँगा कि एमपीओ गुलाम जिलानी भाई एक बहुत बड़ा नाम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से, लेकिन सोशल एक्टिविटी करने में इनका जो है कोई जवाब नहीं। तकरीबन 80% जो है मामला हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सेवरेज के हवाले से वो जो है हल कर चुके हैं। इस टाइम पर भी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मौजूद हैं। एक छोटा सा मसला जो है यहाँ के सदर ने रखा है कि गटर लाइन का एक छोटा सा मसला है इन लोगों का, उस पर ही इन्होंने इनके एक बड़े अच्छे कमेंट्स थे कि यार ये कोरंगी किसी का नहीं, कोरंगी हमारा है। जब कोरंगी हमारा है तो ये सारे मसले भी हमारे हैं। और आपने देखा है कि वसीम भाई भी अक्सर जो है आपको एमपीए साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं इस टाइम पर और साहब का यूसी चेयरमैन भी हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर कोई भी काम नहीं करता, लोग बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता, तो पूरे कोरंगी का जो है इन्होंने तकरीबन सेवरेज का मसला जो हल कर दिया है। 20% है, इंशाल्लाह वो भी हल कर दिया जाएगा। एक छोटा सा इनकी ज़बानी जो मैं आपसे कहूँगा कि जो यहाँ के सदर ने जो कहा है कि इनका मसला हल करने का, वो कब तक करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे? देखिए, मसला इतना बड़ा नहीं है और इस पर मेरे ख्याल एक से दो दिन के अंदर जो है यहाँ पे काम जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। 100-150 फीट का जो है रनिंग का मसला है ये और इससे जो 700-800 दुकानें इस मार्केट में हैं उनको फैसिलिटी होगा, तो हमें खुशी होगी कि इनके मसाइल जो है हल करने में एमकेएम अपना किरदार अदा कर रही है और इंशाल्लाह हम शुरू 2 से 4 दिन में इस काम को हम शुरू करवा देंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि लोग दिखाते हैं बहुत बड़ा है लेकिन इतना होता नहीं है, लेकिन एमकेएम जो काम करती है वो नज़र आता है, लोग देखते हैं। कोरंगी डेढ़ नंबर का मसला आपने देखा, कितने सालों से जो है वो मसला हल नहीं हो रहा था लेकिन वो मसला हल हो गया। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एक्टिव हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है इनका और मेरा सामना हुआ है तो आज जानने की कोशिश करेंगे ये जो खिदमत जो ये कर रहे हैं इस टाइम पर नहीं होने के बावजूद फिर भी हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं असलम भाई आपके चैनल एपी न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर कदम हमारे साथ होता है और जो भी पॉइंट आप करते हैं मसाइल, और इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान उसको हल करती और करती रहेगी और इंशाल्लाह ये मोबाइल मार्केट में हम खड़े हैं 4 नंबर योम तासीर की कल हमारा प्रोग्राम है। आवाम से मैं यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों इसमें, नक्सर पार्क शाम 5 बजे। और आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ जब कोरंगी से रैलियां जाएंगी, 6 नंबर मार्केट के लोग होंगे, मोबाइल मार्केट 4 नंबर के लोग होंगे, 2 नंबर मार्केट के लोग होंगे, बिरादरियां हैं हमारे साथ इसमें, कुरेशी बिरादरी है, मेऊ बिरादरी है, अब्बासी बिरादरी है, अराई बिरादरी है, सबको हमने दावतनामे दिए हैं, सब होंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि असलम भाई आप हमारे साथ साथ चलें, दिखाएँ कि कोरंगी आज भी एमकेएम पाकिस्तान के साथ है और इंशाल्लाह साथ रहेगा। और ये जो मेरे को जिलानी भाई ने हिदायत दे दी है ये पाइप होगा,
तो कल तो नहीं इंशाल्लाह, मैं परसों विजिट करा के दो दिन में एक दिन में पाइप उतर जाएंगे और ये जल्द से जल्द काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। काम हम कर रहे हैं, हमारे MNA भी काम कर रहे हैं, हमारे MPA भी काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई, आपकी बात करते हुए एक छोटी सी शिकायत। जी 51C माशाल्लाह आपका अपना इलाका है, UC 25, तो आपने वहाँ पे चेयरमैन रहे हैं आप काफ़ी अर्से, आपने वहाँ पर काम करा, बहुत सारे लोगों के मसले हल करे। एक गली नंबर 4, उसका एक छोटा सा मसला है, इंशाल्लाह आप लोगों को अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो काफ़ी लोगों की जो है वो कंप्लेने हैं मेरे पास कि यार इस मसले को वो लाजमी देखें। तो मैं ये लाजमी चाहूँगा कि आप एक विजिट वहाँ का करें और वो उन 4 नंबर गली के लोगों का एक छोटा सा मसला है उसको आप हल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको। देखें 51C की बात करते हैं, बागे रजा पे अभी जलानी भाई ने, जावेद हनीफ भाई ने तकरीबन 100 पाइप वहाँ डलवाएँ। अब ये 4 नंबर गली जो आपने बताई है तो इंशाल्लाह कल तो नहीं परसों मैं आपके साथ ही विजिट करूँगा इंशाल्लाह, और वो जो भी मसला हल होगा मैं आपसे यकीन दहानी करा रहा हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, असलम भाई, अकरम भाई ने जलानी भाई के लाइटों का बोला था, सर्च लाइटों का, और लाइटें भी इंशाल्लाह अभी दे रहे हैं जलानी भाई, लाइट जो मोबाइल मार्केट वालों ने लाइटों का बोला था वो लाइटें अभी दे रहे हैं। देखें काम तो हम करते रहेंगे और करते हैं इंशाल्लाह, फंड हो ना हो अल्लाह जिसके साथ होता है उसके काम आसान होते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। नाजिन, अर्ज़ पाकिस्तान हमेशा जो है मोहताज, परेशान और उन लोगों की मदद करने की। कुछ लाइटें थी जो MPA गुलाम जिलानी भाई ने कहा था कि वो यहाँ देंगे और वो देखें वो लाइटें अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर आ गई। मतलब जो वादा ये करते हैं वो वादा पूरा किया जाता है और आप ये देख सकते हैं कि ये लाइटें की ये फिटिंग हो रही है जो यहाँ की रौनकों को मजीद और जो है बहाल करेगा। तो हमारा कैमरामैन अगर दिखाए, सदर साहब अकरम साहब, दो अल्फाज ज़रा बोलेंगे आप। अस्सलामुअलैकुम। देखिए हर काम को जो है ना हाईलाइट होना चाहिए, हम अगर किसी की ना कोताही को हाईलाइट करते हैं तो हमें चाहिए कि उसकी खूबियों को भी हाईलाइट करें। हमें तो तवक्को नहीं थी कि जिलानी भाई इतना जल्दी हमारी बात सुन लेंगे, और मैं इनका दोबारा शुक्रगुजार हूँ, दिखावे के लिए नहीं कि उन्होंने अभी कहा था और अपनी गाड़ी से पता नहीं कहाँ का था उन्होंने ये 2 लाइट जो है अभी उसी वक्त मिनटों के अंदर मोबाइल मार्केट के लिए दिया, जिसके लिए मैं दोबारा इनका शुक्रगुजार हूँ। और हम कहते हैं कि इनसे कि अल्लाह करे ये हमेशा ऐसे ही रहें। MPA पाकिस्तान जो कहता है वो करके दिखाता है, अभी तो करके दिखा रहा है और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा करें ताकि हम भी उनके लिए ऐसे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। भाई नाजिन, अर्ज़ पाकिस्तान हमेशा जो है मोहताज, परेशान और उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद होता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मौजूद होता है। इस टाइम पर हम मौजूद हैं, एक पूरी जो है एक कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी की टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे जो मसले थे हमारे हमने वो भी रखे, उनके सामने जो मामला थे डिस्ट्रिक्ट औरंगी के छोटे छोटे इलाकों के वो भी हमने रखे, और हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि आइंदा भी आप लोगों के साथ इस तरह के मसलों को जो है हम शेयर करते रहें। इस टाइम पर हम मौजूद हैं औरंगी 4 नंबर मोबाइल मार्केट पर, जो एक बड़ी पुरौनक जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह है, और मतलब औरंगी का एक सबसे बड़ा जो है मोबाइल मार्केट है। तो नाजिन हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल के जलसे के लिए मैं आपसे लाजमी कहूँगा कि यार जो लोग मेरी इस वीडियो को देखें वो इस जलसे को कामयाब बनाने में बिल्कुल साथ दें, क्योंकि ये MQM पाकिस्तान हमारी जमात है, आपकी जमात।